अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड व्यूअर्स। आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स का स्मार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 8 परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमने क्या परफॉर्म करना है, हमने फाइंड करना है टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी हैवियर देन वाटर बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यानी कि कोई भी बॉडी जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी, उसकी हम डेंसिटी को मालूम करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। स्टूडेंट्स, हम जब किसी भी बॉडी को वाटर में हम इमर्स्ड करेंगे, यानी कि डुबोया जाएगा, तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है ऊपर की तरफ। वो जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है, वो उस वेट के इक्वल होती है जो ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में जब उसको डिप किया जाता है, तो स्टूडेंट्स वो कुछ ना कुछ वेट ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस करेगा। तो जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा ना, तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, जितना उसका वेट होगा, उसके इक्वल उस पर क्या लगेगी, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। इसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। जी स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर चाहिए, उसमें स्प्रिंग बैलेंस शामिल है। आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग बैलेंस है, इसकी जो रीडिंग है इस टाइम 0 है। ये देखिए, ये 0 ग्राम है और इस तरफ 0 न्यूटन है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, वेट मालूम करेंगे किसी भी चीज़ का, इन एयर और इन वाटर। स्प्रिंग बैलेंस के अलावा हमें आयरन स्टैंड, स्टोन, इस स्टोन की हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, बीकर, बीकर में वाटर है, थ्रेड, वेट बॉक्स, थर्मामीटर है, थर्मामीटर की मदद से हम रूम टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे, एंड वेइंग बैलेंस। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो जो रूम टेम्परेचर मैंने थर्मामीटर की मदद से मालूम किया, वो 30 सेल्सियस आया है, क्योंकि जो वाटर है उसकी डेंसिटी डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होती है। लेकिन इस टाइम चूंकि रूम टेम्परेचर 30 सेल्सियस है, और 30 सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है, वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर मालूम करने के बाद हमने क्या करना है, ये स्टोन है जिसकी हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम धागे से बांध लेंगे। इस मैंने स्टोन के साथ थ्रेड को बांध दी है। अब मैं क्या करूँगा कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ इसको हैंग करके इसका एयर में वेट फाइंड आउट कर लूँगा, और ये जो वेट की वैल्यू होगी, इसको मैं W1 का नाम दे दूँगा। फ्रेंड्स, स्प्रिंग बैलेंस की आपने देखना है वेट हैंग करने से पहले कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है, ये 0 ग्राम है और इधर से 0 न्यूटन है। अब मैं इसके साथ वेट हैंग करूँगा, तो वेट हैंग करने के बाद मैं उसका वेट मेजर कर लूँगा, ग्राम में भी मेजर कर सकता हूँ, न्यूटन में भी मेजर कर सकता हूँ, तो वो जो वेट होगा वो इन एयर होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो वेट है वो एयर में है, और इस टाइम जो इसका जो वेट आया है वो 150 ग्राम आया है, या 1.5 न्यूटन आया है। तो ये जो वेट एयर में है, इसको मैं W1 का नाम दूंगा, यानी कि जो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर है वो W1 है, वो कितना है, 150 ग्राम या 1.5 न्यूटन है, ये वाली वैल्यू को मैं नोट कर लूँगा। स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट का एयर में वेट है वो 1.5 न्यूटन है। जब इस स्टोन को मैं वाटर में डिप करूंगा, और टोटली तौर पर आपने डिप करना है, इमर्स्ड डुबो देना है, तो इस पर अपवर्ड फोर्स लगेगी, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। जब इस पर अपवर्ड फोर्स लगेगी ना, तो जो स्प्रिंग बैलेंस होगा वहां पर जो वेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से। तो आपने देखना कि जैसे इसको मैं डिप करूँगा, जो स्प्रिंग बैलेंस है वहाँ पर पहले रीडिंग जो थी वो 150 ग्राम था या 1.5 न्यूटन था, जैसे इसको वाटर में डिप करूंगा तो वो रीडिंग कम हो जाएगी। आपने अब स्प्रिंग बैलेंस की तरफ देखना है, ये जो स्टोन है उसको मुकम्मल तौर पर आपने डिप करना है, और इसको नीचे इसका जो बॉटम है बीकर का, उसके साथ भी नहीं टच होना चाहिए, और इसको जो साइड पर बीकर वाल्स हैं उसके साथ भी टच नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, इस स्टोन को मैं वाटर में डिप करूँगा तो इसका वेट कम हो जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस की तरफ देखना कि इसका वेट किस तरह से कम होता है, ये देखिए 1.5 पे था, जैसे ही वाटर में डिप होना शुरू होगा ये काम होना शुरू हो गया। ये जो ग्राम में स्केल है, इसमें ये देखें, ये 0 और 25 है, इसको उन्होंने टोटल 10 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि जो एक लाइन बनती है वो 2.5 ग्राम की बनती है। अब ये 75 है, और ये देखें आगे, ये छठी लाइन के साथ आगे कौन साइड का आ रहा है 75 के बाद, तो जो 6 है, अगर उसको हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 ग्राम आ जाता है। तो 15 ग्राम इतना और 75 उसमें प्लस कर दिया, तो ये 90 ग्राम आ जाएगा, और 90 ग्राम को अगर हम न्यूटन में चेंज करें तो वो 0.9 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0.9 न्यूटन जो वेट है, ये इन वाटर है। तो देखें स्टूडेंट्स, पहले जो वेट था वो कितना आया था, स्टूडेंट पहले आया था 1.5 न्यूटन, और अब कितना आया, 0.9 न्यूटन। तो जो वेट है वो कम हो गया, किस वजह से कम हुआ इसका, वो
अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से। हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 8 नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का परफॉर्म किया है, जिसमें हमने टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी हैवियर देन वाटर बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके हमने डेंसिटी ऑफ अ स्टोन हमने फाइंड आउट की है यहाँ पर। तो जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, वो होता है वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय रिडक्शन इन वेट इन वाटर। स्टूडेंट याद है जब हमने स्टोन को वाटर में डिप किया था तो उसका जो वेट है वो कम हो गया था, कितना कम हुआ है वो ये नीचे वैल्यू लिखनी है आपने, रिडक्शन इन वेट इन वाटर। और ये वेट स्टूडेंट किस वजह से कम हुआ था, ये अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से कम हुआ था, यानी कि जैसे ही मैंने स्टोन को डिप किया था तो उस पर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगी थी, ऊपर की तरफ फोर्स लगी थी, उस ऊपर की फोर्स की वजह से, उछाल की फोर्स इसको कहते हैं, उस वजह से जो वेट है वो कम हो गया था। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है डेंसिटी, ये ऊपर इसके डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 30 सेल्सियस पर। स्टूडेंट्स अब हम ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टूडेंट रूम टेम्परेचर फाइंड आउट किया था, तो रूम टेम्परेचर स्टूडेंट थर्मोमीटर पर कितना आया था, 30 सेल्सियस। अब जो डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर यानी 30 सेल्सियस पर जो होती है ना वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। फिर जो वैल्यू ऑफ जी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो आपको पता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, इसको मैंने W1 का नाम दिया था, ये आया था 150 ग्राम आया था। तो जब मैंने इसको न्यूटन में चेंज करना है, न्यूटन में कैसे चेंज करना है, पहले जो 150 है ये ग्राम में है, इसको आपने किलोग्राम में चेंज करना है। किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, बाद में ये किलोग्राम में आ जाएगा, और इसको हम W=mg वाले फार्मूले के मुताबिक जो है ना ये मास 150 और 1000 इसका किलोग्राम में मास हो गया, और इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9.81 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1.5 न्यूटन आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैंने क्या किया था, ये 1.5 न्यूटन एयर में वेट था जिसको मैंने W1 का नाम दिया था, अब मैंने उसी ऑब्जेक्ट को क्या किया था, वाटर में इमर्स्ड किया था, डुबोया था, तो उस पर उछाल की फोर्स लगी जिसकी वजह से उसका वेट कम हो जाएगा। तो जो वाटर में वेट आया था उसको मैंने W2 का नाम दिया, वो 90 ग्राम आया था। उसी तरह से मैंने 90 ग्राम को क्या किया, न्यूटन में चेंज किया। कैसे, 90 को पहले 1000 पर डिवाइड किया किलोग्राम में चेंज करने के लिए, और फिर जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.9 न्यूटन आया। तो स्टूडेंट्स कितना वेट कम हुआ, रिडक्शन इन वेट इन वाटर, वो ज़ाहिर है W1 में से W2 माइनस कर देंगे, 1.5 न्यूटन में से 0.9 न्यूटन माइनस करें तो 0.6 न्यूटन आ जाता है, ये रिडक्शन इन वेट है इन वाटर। स्टूडेंट्स अब हम फार्मूले की मदद से डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फार्मूला ये था, पहले भी मैंने बताया, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय रिडक्शन इन वेट इन वाटर मल्टीप्लाई बाय ऊपर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। अब जो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर था उसको मैंने W1 का नाम दिया था, और जो रिडक्शन इन वाटर होनी है, रिडक्शन इन वेट इन वाटर, वो होगी W1 माइनस W2 और मल्टीप्लाई बाय डी, और जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है उसको मैंने कैपिटल डी का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, W1 की वैल्यू जो एयर में था वो 1.5 न्यूटन था, W1 माइनस W2 यानी 1.5 न्यूटन, और W2 की वैल्यू 0.9 न्यूटन थी, तो 1.5 न्यूटन में से 0.9 न्यूटन माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा। ये 1000 क्या है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है एट रूम टेम्परेचर पर। तो अब क्या हो जाएगा, 1.5 में से 0.9 माइनस किए तो 0.6 है। अब इस सारे को हमने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आया 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसका मतलब है कि वो जो मेरे पास स्टोन था उसकी जो डेंसिटी थी वो 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आई थी। तो अब रिजल्ट लिख देंगे, द डेंसिटी ऑफ गिवन सॉलिड इज 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने स्टोन यूज़ किया है, आप कोई भी एक जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हो, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करके आप उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।